कहानी की शुरुआत होती है और हम एक भाई बहन को देखते हैं जो शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। इनका नाम बेकी और कॉल है। बेकी प्रेग्नेंट थी मगर इसके बॉयफ्रेंड को ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए बेकी उससे नाराज होकर अपने भाई के साथ गांव जा रही थी। रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए गाड़ी रोककर एक जगह आराम करते हैं। तभी इन्हें रोड के किनारे जो घास थी उसमें से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है जो हेल्प के लिए मदद मांग रहा था। कॉल उस बच्चे से पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर वो बताता है कि वो अंदर खो गया है, प्लीज मुझे बाहर आने में मदद करो। इसके बाद कॉल अपनी गाड़ी को पास में एक चर्च के पास पार्क करता है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी मगर इनके अलावा यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। बेकी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था इसीलिए घास के अंदर नहीं जाना चाहती थी, मगर उस बच्चे की आवाज लगातार इन्हें सुनाई दे रहा था इसीलिए कॉल को रहा नहीं जाता। ये उस बच्चे को ढूंढने के लिए घास के अंदर चला जाता है। इसके बाद बेकी भी इसके पीछे पीछे चली आती है और ये पुलिस को फोन करके यहाँ के बारे में बताने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर नेटवर्क ब्रेक हो रहे थे इसीलिए इनका फोन कट हो जाता है। कॉल उस बच्चे को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी इसे लगता है कि बेकी पीछे रह गई है इसीलिए बेकी को भी आवाज लगाता है। यहाँ पर तीनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे मगर कोई भी आपस में नहीं मिल रहा था। ऐसे ही करते करते इन्हें पता चलता है कि ये दोनों भी अब आपस में बिछड़ चुके हैं, मगर अच्छी बात ये थी कि ये लोग एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। परेशान होकर कॉल बेकी को एक साथ जंप करने को कहता है ताकि ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच सके। ये दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। जंप करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं जो काफी करीब थे। कॉल कहता है तुम वहीं पर रुको मैं आ रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद भी कॉल को बेकी नहीं मिलती, इसीलिए दोनों दोबारा जंप करते हैं और ये क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर हो चुके हैं। मगर ये कैसे हो सकता था क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। परेशान कॉल और भी तेजी के साथ बेकी की तरफ भागता है, तभी ये फिसलकर गिर जाता है। यहाँ पर इसको एक मरा हुआ डॉग दिखता है। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, तभी अचानक बेकी के पास रोज नाम का एक आदमी आता है जो अपने बेटे टॉबिन को ढूंढ रहा था। तब हमें समझ में आता है कि टॉबिन ने ही इनको हेल्प के लिए आवाज दिया था। इस तरफ कॉल को टॉबिन मिल जाता है जिसके कपड़े बहुत गंदे थे। कॉल टॉबिन से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। टॉबिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बात का डर न हो। ये कॉल से बताता है कि जल्दी तुम्हारी बहन मरने वाली है। ये सुनकर कॉल बहुत डर जाता है। टॉबिन कहता है अगर तुम्हें जानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो चलो मेरे साथ। टॉबिन इसको एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आता है। ये इस पत्थर को छूकर इसे बताता है कि अगर तुम इस रॉक को छूओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कॉल जैसे ही इस रॉक को छूने वाला था तभी इसे बेकी के चिल्लाने की आवाज आती है। टॉबिन कहता है बहुत देर हो गई है, इसका मतलब अब बेकी मर चुकी है। कॉल भागते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बेकी का बॉयफ्रेंड था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ इसीलिए बेकी को ढूंढने के लिए यहाँ आया है क्योंकि उसके फोन का लास्ट लोकेशन यही था और वो गांव भी नहीं पहुंची थी। यहाँ पर इसे बेकी की गाड़ी भी मिलती है जिस पर काफी धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी यहाँ पर बहुत दिनों से खड़ी हो। तभी इसे यहाँ पर बेकी की वो किताब मिलती है जो वो अक्सर पढ़ा करती थी। इसे लगता है कि शायद वो इन घास के अंदर गई होगी, इसीलिए अब ट्रेविस भी इस घास के अंदर बेकी को ढूंढने के लिए आ जाता है। ट्रेविस काफी होशियार था इसीलिए जिस रास्ते से अंदर जा रहा था उस रास्ते के घास को निशानी के तौर पर बांध कर आगे बढ़ रहा था ताकि ये इसी रास्ते से वापस आ सके, मगर ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे घास अपने आप खुलती जा रही थी। ट्रेविस सूरज को देखकर सीधे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से सूरज अपनी दिशा बदलकर इसके पीछे आ जाता है। ये देखकर ट्रेविस को बहुत अजीब लगता है। अब ये भी इन घासों में फंस चुका था। देखते देखते रात हो जाती है, तभी अचानक से इसके सामने टॉबिन आता है जो इसका नाम लेकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ। ट्रेविस इससे पूछता है कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो। टॉबिन कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं टॉबिन हूँ और तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बेकी को ढूंढने के लिए आए हो। ये सुनकर ट्रेविस की तरह हम भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये बात इसको कैसे मालूम। खैर ये सब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉबिन इसको बेकी की डेड बॉडी के पास ले जाता है जो बहुत ही खराब कंडीशन में थी। अगली सुबह बेकी की गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी इसे टॉबिन की आवाज सुनाई देती है। ये टॉबिन का नाम लेकर उसे ढूंढने लगता है। अब हमें घास के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां टॉबिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने मॉम डैड के साथ बाहर खड़ा था। इसे ट्रेविस की आवाज सुनाई दे रही थी जो इसे घास के अंदर ढूंढ रहा था। तभी टॉबिन का डॉग घास के अंदर चला जाता है। टॉबिन भी उसके पीछे अंदर आता है और इस तरह एक एक करके टॉबिन की पूरी फैमिली घास के अंदर आ जाती है। यहाँ पर भी इन सबको
एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेविस इन लोगों को घास के अंदर आने से मना कर रहा था, मगर तब तक ये लोग भी अंदर आ चुके थे और थोड़ी ही देर में ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। अब हमें टॉबिन के डैड रॉस को दिखाया जाता है जो उस पत्थर के पास पहुँच चुके थे। अब ये सीन यही कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी अपने भाई के साथ बाहर थी। तभी टॉबिन घास के अंदर से हेल्प के लिए चिल्लाता है और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद ये दोनों घास के अंदर टॉबिन को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये हम एंडिंग में जानेंगे। खैर स्टोरी पर आते हैं। ट्रेविस बेचारा भूखा प्यासा इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी इसे बैकी और कॉल की आवाज सुनाई देती है जो एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे। ट्रेविस भी बैकी को आवाज लगाता है जिस पर ये दोनों भी जवाब देते हैं और इस बार ये लोग किसी तरह आपस में मिल जाते हैं। ट्रेविस बैकी को देखकर बहुत खुश था और साथ में कंफ्यूज भी होता है क्योंकि इसने पिछली रात बैकी की डेड बॉडी देखी थी। बैकी कहती है तुम हमसे पहले यहाँ आए हो और ये कह रहे हो कि तुम हमें ही ढूंढने आए हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ट्रेविस बहुत ही अजीब बात कहता है। इसका कहना था कि ये इन दोनों को ढूंढने के लिए 2 महीने बाद यहाँ पर आया है। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ आए बस कुछ ही समय हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको एक साथ यहाँ से बाहर निकलना था। ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर बैठाकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। यहाँ पर इन्हें थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है। ये सभी लोग उस घर की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में बैकी के मोबाइल पर किसी लेडी का फोन आता है मगर उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, इसीलिए इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी बैकी की तबीयत भी खराब हो जाती है जिसके कारण ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। और इत्तेफाक से टॉबिन के डैड भी यहाँ पहुँच जाते हैं जो बैकी को किसी तरह से होश में लेकर आते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने के लिए टॉबिन के जरिए उस घर का रास्ता देखते हैं, मगर अब वो घर वहाँ से गायब हो चुका था और रात भी हो रही थी। रोज कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, पर उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये इन सबको उसी रॉक के पास लाकर इन्हें भी उस रॉक को छूने के लिए कहता है। कॉल इसकी बातों में आकर जैसे ही उस रॉक को छूने वाला था तभी यहाँ टॉबिन की मॉम आकर इन्हें रोक लेती है। इनका कहना था कि ये इसके पति नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, इसने अभी अभी अपने पति की लाश देखी है। ये सुनकर किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। रोज अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें जो देखा वो सच नहीं है। यहाँ पर रोज इन सबको बार बार उस रॉक को छूने के लिए कह रहा था मगर इसकी बीवी की वजह से कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए रोज अपनी ही बीवी का सर फोड़कर इसे मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग रोज से डरकर भागने लगते हैं। अब बारी बारी से रोज इन सबको मारने वाला था। ये सबसे पहले कॉल को पकड़कर कहता है तुम चाहे जितनी बार भी मुझसे बचने की कोशिश करो लेकिन मैं तुम्हें हर बार मारता रहूंगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें कॉल की बहुत सारी डेड बॉडी दिखती है जो हर बार यहीं पर आकर मर जाता था। इसके बाद ये बैकी को पकड़कर इसे भी मारने की कोशिश करता है मगर बैकी किसी तरह इसकी आंखों में कैंची घुसाकर भाग जाती है। थोड़ी दूर भागने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके चेहरे एकदम घास जैसे थे। ये लोग बैकी को पकड़कर उसी रॉक के पास लेकर छोड़ देते हैं। बैकी तुरंत अपने आप को फोन करके घास के अंदर आने से उन्हें मना करती है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में जो इसको फोन आया था वो इसी ने किया था। बारिश की वजह से इसका मोबाइल खराब हो जाता है। तभी यहाँ रोज आकर बैकी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। तब तक यहाँ ट्रेविस और टॉबिन भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद रोज और ट्रेविस में बहुत देर तक लड़ाई होती है। लास्ट में ट्रेविस रोज को मारने में कामयाब हो जाता है। अब सिर्फ ट्रेविस और टॉबिन ही जिंदा बचे थे। रोज ने मरते हुए इससे कहा था कि अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस रॉक को छूना होगा, सिर्फ यही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता है। ट्रेविस के पास इस रॉक को छूने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ट्रेविस भी इस रॉक को टच करता है। इसके टच करते ही उस रॉक से बहुत सारी बुरी आत्माएं इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। मगर अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी के वश में आ चुका है। ये टॉबिन को बैकी की गाड़ी की चाबी देकर इससे कहता है तुम्हें बाहर जाकर हमें यहाँ आने से रोकना होगा। टॉबिन कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। ट्रेविस कहता है इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और फिर एक झटके के साथ टॉबिन घास से बाहर आ जाता है और यहाँ पर फिर से वही सीन रिपीट होने वाला था। बैकी और कॉल उस बच्चे की आवाज सुनकर घास के अंदर जाने वाले थे। टॉबिन भागते हुए इनके पास आकर रोते हुए इन्हें सारी बात बताता है
और इन्हें इनकी ही गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि ये मुझे ट्रेविस ने दिया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। अंदर घास से टॉबिन हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। बैकी और कॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोग क्या करें। तभी बैकी की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। अब इनके पास यहाँ से वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब ये तीनों घास के अंदर न जाकर शहर की तरफ जाने लगते है। अंदर ट्रेविस इनकी बात सुन रहा था और देखते ही देखते घास पूरी तरह से ट्रेविस को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं आखिर इस मूवी में चल क्या रहा था और ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म। तो देखिए, शुरुआत में हम बैकी और इसके भाई को टॉबिन की हेल्प मांगने पर इन दोनों को घास के अंदर जाते हुए देखते हैं। इसके बाद ट्रेविस 2 महीने बाद इनको ढूंढने के लिए यहाँ आता है और ट्रेविस की आवाज सुनकर टॉबिन और इसकी फैमिली घास के अंदर आई। तो सवाल ये है कि सबसे पहले घास के अंदर कौन आया? तो देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये सभी लोग एक टाइम लूप में फंस चुके थे और ये लूप इस रॉक की वजह से हो रहा था। लास्ट में ट्रेविस ने टॉबिन की मदद से इस लूप को तोड़ दिया जिसके कारण इन सबकी जान बच गई। और एक बात, इन घास के अंदर का समय अलग ही तरीके से काम कर रहा था, इसीलिए ये लोग आपस में नहीं मिल पा रहे थे। जैसे कि एक ही समय पर 2 बैकी यहाँ पर मौजूद थी, मगर चाह कर भी ये लोग आपस में नहीं मिलते क्योंकि इनका एक रूप दिन में था और एक रात में। ये सब कुछ उस रॉक की वजह से हो रहा था। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।